करें सपने अपने। नमस्कार, मेरे शो सास बहु फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चूड़ियों की खनकन से आपकी जिंदगी में आने वाली खुशियों के बारे में बताने वाली हूँ। फीमेल्स चूड़ियाँ पहनती हैं तो पुरुष कड़ा पहनते हैं। चांदी और सोने की बनी चूड़ियाँ और कड़े की खूबसूरती के बारे में मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, लेकिन इनकी खासियत के बारे में आपको वो नहीं बताया जो आपको आज बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी खासियत के बारे में। इतना ही नहीं, आज आपको शो में कांच की खूबसूरत चूड़ियों के बारे में भी बात बताऊंगी। इससे जुड़े बहुत सारे उपाय टोने टोटके भी बताऊंगी। वैसे तो मार्केट में इन दिनों ब्रेसलेट भी काफ़ी फैशन में हैं। ऐसे में आपकी कलाई को खूबसूरत बनाने वाली चीज़ें आपकी किस्मत को और कैसे खूबसूरत बना सकती हैं, आज आपसे इस बारे में बात करूंगी। तो इंतज़ार किस बात का, आइए शो की शुरुआत करते हैं। शो में सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। घर में हमेशा चिड़चिड़ाहट रहती है तो गुरुवार को और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। इससे वातावरण सुगंधित होगा और घर में सभी का ध्यान नेगेटिव बातों से हटेगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि की कुंडली के सातवें घर में पति का हिस्सा जो है वो माना गया है, और कुंडली के इस घर के ग्रह आपके आपका जो अपना रंग होता है मतलब उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपने पति की लंबी उम्र चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी नौकरी या बिजनेस में तरक्की उनको मिले, आपका प्यार बना रहे, तो आप उनकी किस्मत को चमकाने वाले लकी रंग की चूड़ियाँ अपने हाथों में पहने। वैसे तो हाथ में सोने की दो चूड़ियाँ पहनकर भी आप इस ग्रह दशा को और भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो आपको बताती हूँ कि आपकी राशि के हिसाब से कौन से रंग की चूड़ियाँ पहननी हैं ताकि पति की किस्मत चमक जाए और दोनों की जिंदगी में खुशियाँ आ जाए। वेल, अगर आप मैरिड हैं तो अपने पति के लिए चूड़ियाँ पहन सकती हैं, लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने लिए काफ़ी लकी होंगी। इसीलिए सभी महिलाओं लड़कियों के लिए उनको ये बात ध्यान से सुनना चाहिए। मेष राशि वाली फीमेल्स या लड़कियों को रेड कलर की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इससे आपकी किस्मत आपका साथ देगी, और वैसे वो साथ दे रही है 72%। वृषभ राशि की लड़कियों को गोल्डन या ब्राउन कलर की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इससे काम बनेंगे, शादी हो चुकी है तो आपके पति की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। भाग्य मीटर पर लक आपका साथ दे रहा है 70%। मिथुन राशि वाली फीमेल्स मरून या गुलाबी रंग की कांच की दो दो चूड़ियाँ हमेशा अपने हाथ में पहन कर रखें। आपकी किस्मत हमेशा आपका साथ देगी। फिलहाल लक आपका साथ दे रहा है 69%। अभी मैं आपकी राशियों के हिसाब से चूड़ियों के बारे में और बातें करूंगी। बाकी राशि वालों को कौन से कलर की चूड़ी पहननी चाहिए, लक आपका कितना साथ दे रहा है ये आगे बताऊंगी। अभी एक और जरूरी चीज आपसे शेयर करती हूँ। शो में आगे बढ़ने से पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। आपको कोई चिंता सता रही है तो इस वजह से रात को नींद नहीं आती, तो रात को सोने से पहले पीतल के बर्तन में घी को भीगा हुआ कपूर डालकर जलाते, इससे आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, गहरी नींद आएगी, शरीर हमेशा साफ सुथरा बना रहेगा। पुराने समय से चूड़ियां महिलाओं के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक रहा है। चूड़ियां केवल सौंदर्य ही नहीं बढ़ाती बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक दशा को भी ठीक रखती हैं। चूड़ियां कई रूपों में प्रयोग की जाती हैं। चूड़ी, कंगन, कड़ा, ब्रेसलेट, पुरुष भी इस कड़े के रूप में या ब्रेसलेट के रूप में इसे धारण करके स्वास्थ्य और ग्रहों को ठीक रख सकते हैं। चूड़ियाँ मुख्य रूप से गोल होती हैं जो कि बुध और चंद्रमा का प्रतीक है। वैवाहिक जीवन और सौंदर्य के संबंध रखने के कारण ये शुक्र का भी प्रतीक है। मणिबंध पर्वत को स्पर्श करने के कारण ये स्वास्थ्य पर भी सीधा असर डालता है। सही नियमों में अगर सही रंगों की चूड़ियाँ पहनी जाएं तो मैरिड लाइफ को सुखी किया जा सकता है। चूड़ियाँ पहनने से प्रेम और करियर में सफलता पाई जा सकती है। वेल, आपको चूड़ियाँ पहनने के फायदों के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चूड़ियों को पहनने के नियम भी होते हैं? जी हाँ, मैरिड फीमेल को किस दिन नई चूड़ियाँ खरीद कर पहननी चाहिए या फिर अनमैरिड लड़कियों को कैसे चूड़ियाँ पहननी चाहिए, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी आपकी राशि के हिसाब से बताती हूँ कि आपको किस रंग की चूड़ियाँ पहननी है। मेष से लेकर मिथुन राशि तक आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अब आगे की राशियों के बारे में जानिए। कर्क राशि की महिलाओं को येलो या ऑरेंज कलर की चूड़ियाँ अपने हाथ में पहननी चाहिए। ये कलर आपकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आएगा। भाग्य मीटर पर किस्मत आपके बात करूं तो साथ दे रही है 71%। सिंह राशि वाली महिलाओं को अपने हाथ में हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इससे आपकी लाइफ में कभी किसी तरह की खुशियों की कमी नहीं आएगी।
शादी नहीं हुई है तो हो जाएगी, और हुई है तो अपने पति के साथ खुश रहेंगे। भाग्य मीटर पर किस्मत साथ दे रही है 73%। कन्या राशि वाली महिलाओं को भी नोट कर लें, इन्हें कैसी चूड़ियां पहननी चाहिए। आप बैंगनी रंग की चूड़ियां पहने, इससे आपकी लाइफ की परेशानियां दूर होंगी। भाग्य मीटर पर किस्मत आपका साथ दे रही है 74%। कन्या राशि के बाद आगे बची हुई राशियों के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन आइए इससे पहले आपको चूड़ियां पहनने के नियमों के बारे में बताती हूँ। अब आपको आज का तीसरा महा उपाय बताती हूँ। ये महा उपाय भी आपके घर की खुशियों से जुड़ा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बात बात पर घर में कलेश हो जाता है, ऐसे में आप क्या करना है, घर में कंडे जलाकर गुलर कपूर की धुनी देने से घर में ग्रह कलेश शांत होता है। चलिए बात करते हैं आज की सबसे खास एस्ट्रो टिप की। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नई चूड़ी लें और नई चूड़ी आप उसको देना चाहते हैं जिससे आपका रिश्ता मजबूत हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो चूड़ी फ्राइडे के दिन दें। अगर आपसे बड़ी उम्र की हैं और एक इमोशनल रिश्ता बनाना है तो मंडे के दिन दें, जैसे अपनी मदर या मदर इन लॉ को। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप एक छोटा सा काम करें, आप सफ़ेद चीज़ें चूड़ियों के साथ गरीबों को दान करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर होगी। चूड़ियाँ कांच की नहीं, सोने की, चांदी की, लाख की, कई तरह की होती हैं। हर चूड़ी को पहनने से साइंटिफिक फायदे भी होते हैं, आइए आपको बता दी। प्लास्टिक से बनी चूड़ियाँ रजतम प्रभाव देती हैं और वातावरण से ये नकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर खींचती हैं, और एक ऐसी चूड़ियाँ पहनने से आपको बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार कांच की चूड़ियाँ सात्विक होती हैं, वहीं विज्ञान की मान्यता है कि कांच की चूड़ियों की जो आवाज़ है ये वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। आयुर्वेद के अनुसार सोने और चांदी की चूड़ियाँ उम्र और आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। सोने और चांदी की चूड़ियाँ पहनने से शरीर के साथ जब ये रगड़ती हैं तो इस शरीर से ये जो धातु है जब शरीर की पोर्स के अंदर घुसता है तो शरीर शक्तिशाली बनता है, जो महिलाएँ स्वास्थ्य के लिए लाभ प्रदान जो आप महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। विज्ञान कहता है कि चूड़ियाँ सोने, चांदी, कांच, सीप और लाख अर्थात प्रकृति नेचुरल प्रोडक्ट्स की, नेचुरल चीज़ों की बनी हुई होनी चाहिए। कलाई के नीचे चूड़ी पहनाएं और कलाई से लेकर 6 इंच तक में जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं, इसका जब ये दबता है इस पर प्रभाव पड़ता है तो शरीर स्वस्थ होता है, चुस्त होता है, ऊर्जावान होता है। चूड़ियाँ पहनने से हमें हेल्थ में भी काफ़ी फायदा होता है। वैसे तो आम तौर पर चूड़ियाँ सुहाग की निशानी मानी जाती है, लेकिन इस परंपरा के पीछे कुछ और कारण भी हैं। चूड़ियाँ पहनने से महिलाओं को कई लाभ मिलते हैं, आइए आपको वो भी बताती हूँ। धातु से बनी चूड़ियों से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। शारीरिक रूप से महिलाएं पुरुषों की तुलना में थोड़ी नाजुक होती हैं। स्त्रियों के शरीर की हड्डियाँ भी काफ़ी नाजुक होती हैं। चूड़ियाँ पहनने के पीछे स्त्रियों को शारीरिक रूप से शक्ति प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। स्त्रियाँ सोने या चांदी की चूड़ियाँ पहनती हैं। सोना और चांदी लगातार शरीर के संपर्क में रहने से इन धातुओं में गुण जो है शरीर को मिलते हैं। सोने और रजत भस्म भी चूड़ियों के फायदेमंद देती है। आयुर्वेद के अनुसार सोने और चांदी की भस्म शरीर को बल प्रदान करती है। सोने चांदी के जो भस्म है ये शरीर को शक्तिशाली बल प्रदान करते हैं। इससे महिलाओं का स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और वो अधिक उम्र तक स्वस्थ रह सकती हैं। घर के दोष दूर होते हैं और पति की उम्र भी बढ़ती है। एक और मान्यता के अनुसार महिलाएं जब भी घर में काम करती हैं तो चूड़ियों की आवाज़ घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती है। धार्मिक मान्यता ये है कि मैरिड फीमेल्स चूड़ियाँ पहनती हैं, उनके पति की उम्र लंबी होती है, इसी वजह से मैरिड फीमेल्स के लिए चूड़ियाँ पहनना इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी है। आज मैंने आपको घर से जुड़ी हुई बहुत सारी काम की जानकारी दी, तो शो में अब आपको आगे बढ़ने से पहले बताती हूँ आज का चौथा महा उपाय। घर में सुख, शांति, धन समृद्धि चाहिए तो सैटरडे को नहाने के बाद आप किसी भी पीतल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ के ले आए, इसे सफ़ेद चंदन से इसके ऊपर गायत्री मंत्र लिखें और उसका पूजन करें। अब इसे किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। अगर आप ये धन संपत्ति चाहते हैं तो इस पत्ते को अपने कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं दे इस बात का खास असर रखें। पीपल के पत्ते को हर शनिवार को बदलते रहें, इससे घर में सुख शांति रहेगी, धन संपत्ति बढ़ती रहेगी। वक्त हो गया है आज के हमारे फेसबुक के व्यूअर से बात करने का। सृष्टि ने अपना सवाल हमसे पूछा है, वो ये कहना चाहती है कि उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो क्या करें। सृष्टि रेड और मरून कलर को जितना हो सके अवॉइड करें, नेल पेंट, खाना पीना, बैग सब इस कलर के अवॉइड करें, और जितना हो सके अपनी बॉडी में स्काई ब्लू और वाइट को यूज़ करें, आपको फ़ायदा होगा।
अब सोने की चूड़ियों के फायदे क्या हैं? महिलाएं सोने के कंगन पहनती हैं, पुरुष सोने का कड़ा बनवाकर पहनते हैं। सोने की चूड़ियां पहनने से आपको क्या फायदा होता है इससे? लेकिन इससे पहले जान तो लीजिए कि आखिर फायदा क्या होता है, पहनने का तो मन करता ही है। देखिए, एक रिसर्च में पता चला कि सोने के गहने पहनने से शरीर में रक्त संचार जो होता है वो सही होता है, और शरीर में सही से रक्त संचार होने के कारण तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। सोना शरीर में ऊर्जा और गर्मी पैदा करता है, जिससे चलते सर्दी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारी, हृदय संबंधित जो रोग है इसे छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोने का गहना पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों को कम से कम उंगली में एक अंगूठी में सोने का वो जरूर पहन लेना चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। राशि के हिसाब से आपको कौन से रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए ये भी आपको बहुत फायदा देंगी, ये भी बता रही हूँ। तो राशियों में काफी कुछ बता चुकी हूँ, लास्ट की तीन राशियां बची हैं, आइए इस बारे में भी आपको बता देती हूँ। मकर राशि वाली महिलाओं को डबल कलर की चूड़ियां पहननी चाहिए। हमेशा दो रंग को मिक्स कर आप चूड़ी पहने, इससे आपको कभी भी कोई काम अटकेगा नहीं, दूसरा रास्ता जरूर मिलेगा। भाग्य मीटर पर लक आपका साथ दे रहा है 71%। कुंभ राशि वाली महिलाओं को डार्क कलर की चूड़ियां पहननी चाहिए। आप लाइट कलर की चूड़ियों को अवॉइड करें, इससे रिश्ते पे आपके जो रिश्ते हैं वो गहरे और मजबूत होंगे। लक साथ दे रहा है 73%। मीन राशि वाली महिलाओं को अपने हाथ में ऑरेंज कलर की दो चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए, चाहे बाकी किसी भी रंग की पहनी हो, आपकी कोई भी चूड़ी आप बाकी पहन सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। बाकी मीटर पर लक साथ दे रहा है 73%। आइए बात करते हैं उनका जिनका जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका जन्मदिन बहुत शुभ हो। लगातार फ्राइडे और संडे के दिन मीठा गरीबों को बांटेंगे तो साल भर आपको गुड न्यूज मिलती रहेगी। अपने घर में अपनी फैमिली के कंसंट्रेशन, गुड हेल्थ के लिए नॉर्थ ईस्ट में लगातार कपूर जलाएं, आपको बहुत फायदा होगा। आपका साल शुभ रहे, हमारी यही कामना। शो के लास्ट में आपको आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय बता देते हैं। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आप ये चाहते हैं कि इसमें आपकी जीत हो जाए, आपके दुश्मनों की हार हो, तो आसान सा उपाय है, घर से निकलने के समय थोड़े से चावल साथ रख लें। जब कोर्ट पहुंचे तो उसे कमरे में, आप जहां पे सुनवाई के लिए बाहर जा रहे हैं उसे फेंक कर फिर अंदर जाएं। इससे कमरे में सुनवाई होगी, उसमें थोड़े से चावल फेंक दें। देखिए, ध्यान रहे, चावल फेंकते हुए आपको कोई देखे नहीं। आसान सा उपाय है, लेकिन आपकी जीत जरूर कराएगा। वक्त हो गया है मेरे जाने का, मैं कल फिर आऊंगी आपकी जिंदगी के नए पहलू पे बात करने के लिए। तो कल मिलते हैं, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। साकार करें सपने अपने।